एटा में एसटीएफ के छापे में अवैध असलाह को जाखिर बरामद हुए हैं। एसटीएफ बरेली की यूनिट एटा में छापामार कार्रवाई करते 31 बने अफ्ते तमाचे को साथ साथ भारी मात्रा में शस्त्र बने उपकरण बरामद किए हैं। मौके पर एसटीएफ को सूचना मिलने के बाद यह एसटीएफ बरेली यूनिट भारी प्रभावी कार्रवाई करते हुए असलाह को जखीर बरामद करते हुए भारी मात्रा में शस्त्र बने उपकरण बरामद किए हैं। एसटीएफ का कहना है कि असलाह तस्कर जनरल सिंह लंबा समय से अवैध असलाह को तस्कर के लुप्त कर रहे थे। करीबन 1.5 साल से पुलिस आंखों में धूल झोंककर अवैध असलाह को तस्कर लुप्त कर रहे थे। अवैध असलाह के साथ ही कारोबार के उनके माध्यम से प्रदेश और राजस्थान दिल्ली झांकी तक फैला रखा था। देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद राशिद की खास रिपोर्ट डेटा से। हमें जानकारी मिली थी कि जर्नैल सिंह जो पहले हाथरस में असला बना रहा था कि अब वो कस्बा में रची में उसने बनाना शुरू कर दिए। इस सूचना पर हमने लोकल पुलिस को साथ लेके दबिश दी तो उसके घर में फौजी का मकान है, उसमें 71 बने अधबने और असला बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर औजार भी बरामद? हाँ जी, असलाह बनाने के उपकरण सभी बरामद हुए। जर्नैल सिंह कब से काम कर रहा था? करीब 5 यहाँ तो अभी 1 महीने से आया हुआ है, 15 दिन से शुरू कराया यहाँ। फौजी का मकान था ये फौजी का मकान है। इससे पहले भी ये जो है जर्नैल सिंह इस काम में वो था, आप ही द्वारा पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा नहीं गया था। इसके दो भाई हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं, मंगल और साहब सिंह। ये हमेशा 1.5 साल से बचता आ रहा था हम लोगों से। ये बकैनर है यहाँ कासगंज में, बाकनेर का। एसटीएफ ने पकड़ा है? जी, एसटीएफ और जिला पुलिस दोनों ने मिलकर पकड़ा है। इसका मूवमेंट क्या रहता है, किस किस तरह से ये सप्लाई करता है? इसके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और झांसी और दिल्ली की पार्टियां हैं। ये अपने तैयार करता है, 20-20, 50-50 करके सप्लाई करता रहता है।